जवान। लो आ गया आपका श्रवण। श्रवण बेटा आ गए तुम, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे। कौन से पुण्य है हमारे जो तुम जैसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ, जो अंधे माँ बाप को कंधे पे उठा उठा कर तीर्थ यात्रा करवा रहा है। ऐसा आदर्श पुत्र इस सारे संसार में भला कोई हो सकता है? तुम्हें संतान के रूप में हमें प्राप्त हो, ईश्वर से प्रार्थना है। मेरा क्या बेटा, अब तू अपनी माँ को भी बुला दे, उसे भी बहुत प्यास लगी है। बेटा वो ध्वनि क्या थी? कुछ गिरा भी था, मुझे तो लगा जैसे तुम्हें कहीं कुछ ना हो गया। श्रवण किस चिंता में हो, बोलते क्यों नहीं? श्रवण पुत्र बोलते क्यों नहीं तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे श्रवण नहीं हो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, कहाँ है हमारा पुत्र? कौन हो तुम बोलो। चुप चुप क्यों हो? कौशल नरेश दशरथ हूं। महाराज दशरथ, आप यहां, तो फिर हमारा श्रवण कहां है? बताइए ना। भूलवश मेरे द्वारा आपके आपके पुत्र की हत्या हो गई। हमारे श्रवण की हत्या? नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पुत्र की हत्या नहीं, श्रवण। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। श्रवण मेरा पुत्र, श्रवण। मुझसे भूलवश ऐसा हो गया, मुझे लगा वो मृग था। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। अब आपको क्या दंड दें, क्या दंड दे सकते हैं हम? श्रवण!
किंतु एक दिन आपको भी पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है। उस दिन आप हमारी वेदना को समझेंगे और वो अनुभूति महाराज, वो अनुभूति ही आपके लिए दंड होगी। मेरे पुत्र शवन, उसे एक श्राप का भय मेरा पीछा नहीं छोड़ता। गुरुदेव मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये सत्य है कि मुझे चारों पुत्र प्रिय हैं, फिर मुझे सबसे अधिक भय राम के लिए क्यों होता है? सोचता रहता हूं कहीं राम को कुछ हो गया तो। मैं केवल इतना कह सकता हूं, राम को लंबी आयु का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा उसे। आज यहां शिष्यों की परीक्षा ली जानी है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साक्षी बने। उसके उपरांत तुम अपने पुत्रों से मिल सकते हो, किंतु इसके पश्चात कुछ भी हो जाए, अपने पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने तक तुम उनसे भेंट करने नहीं आओगे। अब क्या आना, केवल 6 माह शेष रह गए हैं, वो कब भी जाएंगे पता ही नहीं। जन्म से देखा है मैंने तुम्हें और भली भांति समझता भी हूं। यदि मैं तुम्हें ना रोकूं तो तुम इन 6 महीनों के लिए यही बाहर शिविर लगाकर अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करने लग जाओगे। विश्वास कीजिए, अब नहीं आऊंगा, इनकी शिक्षा समाप्त होने पर भी नहीं। मैं इनकी प्रतीक्षा अयोध्या में करूंगा। वचन देता हूं, रघुवंशी के वचन पर विश्वास तो करते हैं ना? किंतु रघुवंशी को बात बात पर वचन भी नहीं देना चाहिए दशरथ। कब सीखोगे तुम? वचन पालन से परिभाषित होता है ये कुल। एक दिन ऐसे ही किसी वचन के कारण किसी संकट में ना आ जाए। पता नहीं उन्हें पहचान सकूंगा या। तुम अपने प्रतिबिंब को पहचानने में भूल भले ही कर दो दशरथ, लेकिन वो जिनमें तुम्हारे प्राण बसते हैं उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी तुम्हें। कहां है?
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।